ब्रेकिंग न्यूज आपको देंगे। स्टेट बैंक का तमाम मालियत के नए करेंसी नोट लाने का असूली फैसला। नए नोटों को बैन अल-अक़वामी सिक्योरिटी फीचर्स के साथ छापा जाएगा, यह कहना है गवर्नर स्टेट बैंक का। खुर्रम शहजाद माहिर मुर्शिद इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया खुर्रम साहब आपके वक्त का। काला धन रखने वालों के लिए बुरी खबर है, नए नोट छापे जा रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर आप? जी देखिए, ये एक अच्छी डेवलपमेंट है जिसमें नए नोट अगर लाए जाते हैं और सिक्योरिटी फीचर के साथ लाए जाते हैं तो मेरे ख्याल में ये आपको ट्रैक करने में आसानी देगा कि नोट कहाँ जा रहा है, कौन यूज कर रहा है डेफिनेटली, और ये ऑफकोर्स आगे की चीजें हैं, प्रोग्रेशन होगी इसमें। लेकिन मेरा एक इसमें सवाल कह लें या मेरा एक इसमें यह है कि आप जो कह रहे हैं कि इससे जो है काले धन वालों को प्रॉब्लम होगी, मुझे लगता नहीं है इस वजह से होगी। अनलेस कुछ हद तक जो बड़े करेंसी नोट्स हैं उनको वो खत्म कर दिया जाए। वैसे भी देखें डीमोनेटाइजेशन कहते हैं इसको कि आप नोट्स को कैंसिल कर दें, बड़े नोट्स को, ताकि जिनके पास कैश पाइल्स हो, घर पे कैश रखा हो बहुत ज्यादा, अगर जिनका कैश कमाया हुआ हो या अपने तहखानों में कैश छुपा हो तो वो जो है आपके उनके लिए प्रॉब्लमेटिक होता है। लेकिन दुनिया में देखा गया है कि डीमोनेटाइजेशन से बहुत ज्यादा फायदे रिलेटिवली नहीं हुए, और खासकर पाकिस्तान जहां पे इन्फ्लेशन हाई है, जब महंगाई की शरह ज्यादा होती है तो लोग उस करेंसी में अपनी सेविंग्स नहीं रखते बल्कि कन्वर्ट कर देते हैं, या तो गाड़ी ले लेते हैं, प्लॉट्स ले लेते हैं, या फिर डॉलर ले लेते हैं, गोल्ड ले लेते हैं। और हमारे यहाँ भी ये देखा गया है, लोगों के घरों पे कम कैश होता है और एसेट्स में कन्वर्ट ज्यादा हो जाता है, तो उस पर टैक्स करने की जरूरत है, उनको डॉक्यूमेंट करने की जरूरत है, ज्यादा देन ये कि इससे ये समझा जाए कि नोट कोई जैसे 5,000 का नोट है हमारे यहाँ वो कैंसिल हो रहा है। तो मेरे ख्याल में इस पे स्टेट बैंक की मजीद देखना होगा कि क्या अपडेट आती है, उस वक्त तक हम इंतजार करते हैं। मेरे ख्याल में अगर अपडेट ये होती है कि अगर सिर्फ नए करेंसी नोट्स लाए जा रहे हैं, पुरानों को जो है कुछ नहीं किया जाता, फिर शायद बहुत ज्यादा काले धन वालों से हमें कोई फायदा ना हो, अदरवाइज हो सकता है अगर बड़े नोट्स कुछ हद तक कर दिए जाए। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थे खुर्रम शहजाद।